नेमिंग की कैसे करते बेटा बताओ, एल्काइल का नेमिंग की कैसे करते हैं, एल्काइल का नेमिंग कैसे करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन से जो कार्बन अटैच होगा वहीं से हम नंबरिंग करेंगे स्टार्ट। बात समझ में आ गई, एल्काइल का नंबरिंग सिंपल करते हैं, जो लॉन्गेस्ट होगा वैसे करेंगे, ठीक है। एल्काइल के बाद क्या बताया था मैंने, डिग्री ऑफ कार्बन, क्या डिग्री ऑफ कार्बन कितने 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 डिग्री के होते हैं कार्बन, चार, कौन कौन से, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, और 4 डिग्री क्या होगा, और हाइड्रोजन कितने डिग्री के होते हैं, 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है, क्यों, अरे हाइड्रोजन तो जुड़ेगा ही नहीं ना उस कार्बन से बेचारे से, 4 डिग्री कार्बन से क्या हाइड्रोजन जुड़ेगा, नहीं, वो तो चारों के चारों किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। बात क्लियर है, बात क्लियर है, यहाँ तक किस किस को कम्प्लीटली समझ में आ चुका है, आ गया टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकालना, आ गया, घर जाके ईमानदारी से बोलो किसने किया टाइप ऑफ हाइड्रोजन, एक बार किया स्ट्रक्चर को एनालिसिस करके किया, अब पक्का आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, नेमिंग ऑफ एल्कीन, नेमिंग ऑफ एल्कीन, दुनिया का सबसे इजी, नेमिंग ऑफ एल्कीन लिखो, नेमिंग ऑफ एल्कीन। देखो पुरानी बातें मैं हमेशा करता रहूंगा और आपको बता दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खास बात होती है, क्या होती है, क्या होती है खास बात, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग भूल जाते हैं, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ मानी जाती है, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या मानी जाती है बेटा, टफ मानी जाती है। कौन सा बंद हुआ, मैं मेरा वाला बंद कर रहा हूँ क्योंकि आवाज खराब हो रहा है, बस। देखो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाती है, इसलिए डेली रिविजन करना जरूरी है, ओनली आप लोगों को किसके क्वेश्चन करने, कॉपी के, बस लिखो नेमिंग ऑफ एल्कीन। अब तुम लोगों से पूछूंगा कंडीशंस, ठीक है, तुम लोग अब बताओगे, तुम लोग खुद सोचना कि क्या क्या हो सकता है। नेमिंग ऑफ एल्कीन, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लेकिन कैसा कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड आ जाए। एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड, और ये क्या होता है, एक टाइप का अनसेचुरेटेड, क्या होगा बेटा ये आपका, बात क्लियर है, नेमिंग ऑफ एल्कीन अनसेचुरेटेड कंपाउंड आपका होगा बेटा। यहां तक समझ में आया, एल्केन क्या होता है, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, एल्केन, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला सेचुरेटेड, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला, जिसके अंदर पाई बॉन्ड होगा वो, सब बोलो, जिसके अंदर पाई बॉन्ड होगा वो, और जिसके अंदर केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड रहेगा वो, और जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होगा वो सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी सिग्मा है, इसके अंदर भी सिग्मा है, इसके अंदर भी सिग्मा है। फिर से सुनो, जिसके अंदर पाई बॉन्ड होगा वो, जिसके अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड होगा वो, जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होगा वो, ओनली का फर्क है, ठीक है। तो इस चीज को समझ लिए, ध्यान रहेगा अब आपको। चलो स्टार्ट करो, सबसे पहला स्टेप क्या लिखोगे, सबसे पहले समझो, पहला स्टेप, डिसाइड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, क्या होगा बेटा बोलो, जिसके अंदर सारे के सारे क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, तो क्या लिखोगे बोलो, बोलो जल्दी से फटाफट, डिसाइड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इन विच ऑल डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर आपके स्टेप वन समझ में आ गया सबको, स्टेप वन समझ में आ गया, क्या बोला मैंने, अब स्टेप वन फेल होने का क्या होगा पॉइंट, स्टेप वन फेल कब होगा, तुम्हारे मन में सोचो, स्टेप वन फेल कब होगा,
अगर पेरेंट कार्बन चेन के अंदर मान लो डबल बॉन्ड पूरे नहीं आ पा रहे तो क्या करेंगे? तुम खुद सोचो ना, स्टेप वन फेल कब होगा? स्टेप वन फेल कब होगा बताओ? अगर कोई ना कोई डबल बॉन्ड छूट जा रहा है तो क्या करोगे? हाँ, इसके बाद स्टेप वन में एक और पॉइंट लिख लेना, क्या आपके सारे के सारे डबल बॉन्ड आने चाहिए लेकिन लेंथ का कोई हमको रोल नहीं है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब पेरेंट कार्बन चेन में सारे के सारे डबल बॉन्ड आने चाहिए, हमें उससे मतलब होना चाहिए, लेंथ से हमको कोई मतलब ठीक है, लेंथ से मतलब होगा इसमें, किसमें लेंथ से मतलब था? एल्केन में, इसमें लेंथ से मतलब होगा? नहीं होगा। तो लेंथ से किसी भी टाइप से कोई मतलब नहीं होगा, हमारा काम क्या होगा? केवल और केवल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन विच ऑल डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अगर मान लो, अगर बाय मिस्टेकली अगर एक भी डबल बॉन्ड आपके, आप ऐसा चेन सेलेक्ट कर रहे हो कि किसी भी एंगल से सेलेक्ट कर लो, अगर मान लो आपका एक डबल बॉन्ड छूट जा रहा है तो क्या करोगे? अगर एक भी डबल बॉन्ड अगर आपका छूट जा रहा है तो क्या करोगे बताओ? सोचो तो छूटने दो, वो डबल बॉन्ड आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, वो डबल बॉन्ड आपका क्या बन जाएगा? बात समझ में आई? वो डबल बॉन्ड आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। इतना बात ध्यान रखो, इतना दिमाग मत लगाना, ठीक है? जितना मतलब अब हमको वही कार्बन चेन, स्टेप सेकंड समझना, स्टेप वन फेल होगा, फेल कब होगा आपको समझ में आ गया? इसके फेलियर की कंडीशन क्या होगी? फेलियर की कंडीशन इसकी क्या होगी? फेलियर की कंडीशन बोलो, हम ऐसा चेन सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड आ जाए बट सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई डबल बॉन्ड हमसे मिस, ठीक है, मिसिंग है ना, हो रहा है, तो वो इसका क्या हो गया? फेलियर का रीजन स्टेप वन का। तो स्टेप टू हम लगाएंगे दिमाग अपना, स्टेप टू क्या होगा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। समझ में आ गया? अब हमको वैसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आता हो। समझ में आया ये बात समझ में आया? फेलियर जरूर लिख लेना, फेलियर अपने लैंग्वेज में जरूर लिख लेना बेटा, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए। समझ में आया? अब स्टेप टू फेल कब होगा बच्चा, बोल, सोच के बताओ। स्टेप टू भी अब फेल कब होगा, कौन बताएगा? देखो, स्टेप टू फेल कब होगा सोच के बताओ, खुशी बताओ, ईश्वरी, वैष्णवी, चिन्मय बताओ, स्टेप टू फेल कब होगा? अगर मान लो मैक्सिमम ही ना रहे, दोनों में बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब मैक्सिमम, अब मैंने क्या बोला? पहला कंडीशन क्या बोला बोलो, पहला स्टेप क्या बोला? सारे के सारे डबल बॉन्ड आ जाने चाहिए। अब सारे के सारे डबल बॉन्ड नहीं आए तो स्टेप वन क्या हो जाएगा? स्टेप टू में हमने उसका मैक्सिमम वाला मान लिया। अगर मान लो मैक्सिमम ही नहीं मिले, मैंने दो चेन सेलेक्ट किए और दोनों में डबल बॉन्ड सेम आ रहे हैं तो क्या करोगे? हम उसके बाद देखेंगे लेंथ किस चेन की ज्यादा है, ठीक है? हमको वैसा सेलेक्ट करना है, वैसा मुझे सेलेक्ट करना है जिसका लेंथ क्या हो बच्चा, बहुत ज्यादा हो। स्टेप थ्री क्या हो? स्टेप थ्री बोलो क्या होगा? सेलेक्ट द चेन लेंथ क्या हो उसकी? ग्रेटर हो, ठीक है? लेंथ उसकी क्या हो बेटा? ग्रेटर हो। तो अब स्टेप थर्ड के फेल होने का कारण बोलो, अब थोड़ा सोच लो, लेंथ अगर सेम मिल जाए तो। अब देखो स्टेप टू यहां पर फेल हुआ, यहां पर फेल होके हमको क्या मिला बोलो? मैक्सिमम। अब डबल बॉन्ड भी सेम हो गया तो लेंथ पे गए, अगर लेंथ भी सेम हो गया तो ये फेल कब होगा? लेंथ सेम होगा तब ये फेल हो जाएगा। अब ये फेल हुआ बेचारा, तो कौन सा लगाएंगे?
मोड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाला, अगर मान लो मोड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाला भी फेल हो जाए तो तब तो छोड़ दो। देखो बेटा, मोड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे नहीं जाएंगे हम, अभी पेरेंट कार्बन चेन की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हम सिंपल, वो मोड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमारा एंड है, वो एंड है। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा क्या रहेगा बेटा, एंड रहेगा, स्टार्ट पहले ही पेरेंट कार्बन चेन में ही। अब हम देखेंगे कि कौन से चेन में डबल बॉन्ड को लोकेंट नंबर मिनिमम मिल रहा है। डबल बॉन्ड को भी लोकेंट नंबर मिलता है कि नहीं मिलता, मैंने बताया था ना, 4 ब्यूटीन 5 ब्यूटीन 5 लिख के बताता था, ब्यूट 5 इन ब्यूट 2 इन। तो हमको कौन सा चेन सेलेक्ट करना है, तो यहां पर क्या आएगा, लोकेंट नंबर विल बी मिनिमम फॉर डबल बॉन्ड। स्टेप फिफ्थ क्या होगा, लोकेट नंबर विल बी मिनिमम फॉर डबल बॉन्ड। अब तुम्हें समझ में आया सारे स्टेप के साथ कैसे खेलने। अब एग्जाम में अगर एंड तुम्हारा होगा तो यहीं तक होगा, इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे वाला कंडीशन भी बता दिया। अब तुम लोग खुद बोलोगे स्टेप वन, ठीक है, स्टेप वन सब बोलो क्या हुआ, बोलो सब बोलो स्टेप वन, हाँ इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड्स, ऑल डबल बॉन्ड्स। फेल कब होगा, सारे के सारे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हमसे, ऐसा भी तो होता है, थोड़ा सोचो ना क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, देन क्या होगा। स्टेप टू क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जिसके अंदर होगा वही हम सेलेक्ट करेंगे, बात क्लियर है। उसके बाद फेल कब होगा, ये हाँ जब आपके सेम क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तब ये फेल हो गया, तब कौन सा स्टेप लगाएंगे, तब हम लेंथ को देखेंगे, अगर लेंथ भी सेम आ गया तो क्या करेंगे। अरे अरे मार्क्स में बोल रहे हो, पता ही नहीं पड़ रहा कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, बताओ कौन क्या होगा, बोलो अच्छे से बोलो, मिनिमम लोकेट नंबर हमको किसको मिलना चाहिए। ये तो था स्टेप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने का, किसको सेलेक्ट करने का, तो ये सारे स्टेप किसके बेटा, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के, किसके स्टेप है बेटा, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के हैं, ठीक है, बात समझ में आई तुम्हें, अच्छे से अच्छे से एक बार इसको रीड करो, दो मिनट एक बार इसको रीड करो, उसका नाम क्या है, तुम लोगों में से भी मैं 5 बच्चों को इधर लाऊंगा और कुछ बच्चों को वहां भी भेजूंगा वापस, वो ए टू बेस से, ध्यान रखना पढ़ के आओगे तो ही ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। मैं भूल ही गया था ये स्टेप, मैं ये वाला स्टेप में भूल गया था एक्चुअली, तुमको बुलाना है। अब ये वाला स्टेप समझ में आ गए, किस किस को क्लियर हो गया पक्का, एक बार रीड मारो फटाफट। हाँ इसके बाद फेलियर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो स्टेप्स है ये स्टेप किसके लिए, ओनली फॉर सेलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, नथिंग एल्स।
हमको पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, इसके लिए है ये रूल। समझ में आ गया? ये रूल केवल और केवल किसके लिए? पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के लिए। किसको यहां तक क्लियर हुआ पूरा कंसेप्ट? अच्छे से क्लियर हुआ? आहिल, चिन्मय, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा समझना बात। अब दो इंडेक्स बनाओ, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और यहां पर नेम। अब बात समझना, अगर मेरे पास एक डबल बॉन्ड होगा तो अगर मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का लोकेट नंबर देना जरूरी होता है कि नहीं होता? मैंने बताया था क्लास टेंथ में, आपने पढ़ा होगा ब्यूट टू इन बोलता था, ब्यूट थ्री इन, ऐसा कभी मैंने बोला बिना नंबर दिए ब्यूटीन? कभी बोला है बिना नंबर दिए मैंने ब्यूटीन? नहीं बोला ना। तो क्या होगा बेटा इसका? बोलो, इसका मैंने मान लिया लोकेट नंबर एक्स, तो क्या हो जाएगा नाम? ब्यूट इन। अगर मान लो दो डबल बॉन्ड होंगे तो दो लोकेट नंबर आएंगे एक्स वाई, बोलो ब्यूट, अरे सॉरी याद, ब्यूट का सिर्फ दिया एल्कीन, सॉरी एल्कीन हो जाएगा। अगर एक्स वाई क्या हो जाएगा? अल्का डाई इन। समझ में आया बात अच्छे से? अगर तीन होंगे डबल बॉन्ड तो एक्स वाई जेड अल्का डाई इन। अब किसी की ट्राई, वेरी गुड, अब तुम्हें आ गया, चलो ठीक है, बात समझ में आया। अब इसको बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई डाई इन, दोनों तरीके क्या है बच्चा? बहुत ही अच्छे, दोनों दो तरीके आप लोगों के क्या है बच्चों? बहुत अच्छे, दोनों तरीके यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको ये तरीका यूज करने की आदत डालना है, ठीक है। ये तरीका भी सही है, इससे भी कोई गलत नहीं कर सकता, जो गलत करे मुझे बता देना, इससे भी कोई गलत नहीं करेगा। ये एक्चुअली क्या होता है, IUPAC जो नोमेनक्लेचर है वो हर 5 या 10 साल के अंदर नहीं होती है, मतलब उसमें कोई ना कोई चेंजेस होते हैं। तो अभी जो चेंजेस हो के जो लेटेस्ट चल रहा है वो ऐसा चल रहा है, पहले तो ऐसा ही लिखते थे। समझ में आया? उसको और शॉर्ट करने के लिए क्या रीजन है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा लिखने लग गए, ठीक है, बात क्लियर है ये चीज। अब चलो नेक्स्ट, अगला क्या होगा? अगला क्या करते हैं? पेरेंट कार्बन चेन तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसमें क्या करेंगे? नंबरिंग। अब नंबरिंग के लिए क्या करेंगे बेटा? नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अब पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग हम किस तरीके से करेंगे बच्चा, बोलो जल्दी बोलो, पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग हम किस तरीके से करेंगे बोलो? हाँ, सबसे पहले अप्लाई RFPD ऑन अगर फेल होगा, फेल कब होगा? जब दोनों में सेम नंबर आ जाएंगे। अगर ये फेल हुआ फिर खुद बोलो, नहीं अल्फाबेटिकली थोड़ी ना, फिर तो हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के दे देंगे। तो वही जो हम पिछला पढ़ रहे हैं ना, उसी को आगे बढ़ाते जाओ। बस मैंने क्या बोला था, पहले में हम RFPD किस पर लगाते थे बताओ? जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते थे तो RFPD हम किस पर लगाते थे? सब्स्टिट्यूएंट पर। उसके बाद ही हम जाते थे ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब क्या करेंगे बेटा, अप्लाई बोलो RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद बोलो, अब ये फेल हुआ तो कौन सा हो जाएगा बेटा? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। समझ में आ गया ये? अब समझ में आ गया वो तुमको नंबरिंग अप करने का तरीका? शुरुआत में नंबरिंग तुमको टफ लग रही होगी, अब तुम्हें धीरे धीरे इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। बस कौन सा एक्स्ट्रा ऐड हुआ इसमें, कौन सा एक्स्ट्रा ऐड हुआ जल्दी बोलो? अब जब ट्रिपल बॉन्ड पढ़ाऊंगा तो कुछ और ऐड होगा,
तब तुम्हें परमानेंटली समझ में आ जाएगा, तब तुम्हें परमानेंटली, ये किसी को डाउट इसमें, डाउट इसमें किसी को? क्लियर हुआ कंसेप्ट सारा? पक्का श्योर हो जाएगा एल्किन का नोमेनक्लेचर पक्का? चलो ए, इतना सही तो था, इतना सही था। अब इसमें भी तुम लोग टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? हाँ या ना? किसी के मन में ऐसा मन में बात रहा है कि सर एल्किन का आपने फॉर्मूला CnH2n क्यों नहीं लिखा? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना क्लास 10th में, एल्किन इज अ CnH2n। किसके मन में है? हैंड रेस करो। सर आप लिख सकते हो यहां पर, बताओ क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर? हाँ या ना? लिख सकता हूं पक्का एल्किन के लिए? श्योर कंफर्म? अब ये बताओ क्या ये एल्कीन है? ये क्या ये एल्कीन है? मुझे ये बताओ एल्कीन है या नहीं है? हाँ या ना? एल्कीन है। इसमें कंपाउंड सेलेक्ट करो, कितने कार्बन, हाइड्रोजन कितने? क्या ये फॉलो कर रहा है एल, वो सी एन एच टू एन तो आपका एल्कीन होता है, लेकिन ये तो क्या है? समझ में आया? समझ में आया? चलो क्या ये एल्कीन है? क्या ये एल्कीन के फॉर्मूले को फॉलो करेगा? हाँ या ना? एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। तो यहां पर कितने कार्बन है? चार। तो यहां पर कितना होगा? एट। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने सीधा क्या लिखा? अनसेचुरेटेड। समझ में आया? समझ में आया पक्का? लेकिन इसको बोलेंगे एल्केनी, बोलेंगे एल्केनी। अपने मन में मत डाले ना सर ये तो एल्किन हो गया। नहीं 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 नहीं, क्या होता है? एल्केन। बात समझ में आया? अंतर समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसको नोट डाल के अच्छे से लिख लो। हमने फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा? फॉर्मूला कहाँ कहाँ फेल है? हम डायरेक्टली सोचेंगे अरे सर तो इतना पढ़ा रहे पागल है, सीधा C4H10 से मैं निकाल लूंगा। नहीं निकाल पाओगे कभी जिंदगी में, नहीं निकाल पाओगे, और एक दो क्वेश्चन और अच्छे से गलत करके आओगे। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है? क्या नहीं करना है वो मैंने बता दिया। अपना दिमाग यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग कम है। समझ में आया? समझ में आया? टेंथ में पढ़ा था वो गलत पढ़ा था, अब जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो। टेंथ में भी तुमने सही पढ़ा था लेकिन वो एक ही डबल बॉन्ड के लिए था। टेंथ में तुमने क्या पढ़ा था मालूम है? फॉर्मूला, ठीक है? दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर ओनली ओपन चेन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी कितने? सिंगल। तो ये भी नोट डाल के लिखना, लिखो CnH2n, CnH2n, CnH2n applicable only, applicable only, बताओ खुद बोलो अब, ओपन चेन मतलब खुला हुआ हो, मतलब रिंग नहीं होना चाहिए, साइक्लिक नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बेटा बोलो? ओपन चेन, ओपन चेन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन विद ओनली वन डबल बॉन्ड, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन विद ओनली वन डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ कंसेप्ट? पक्का श्योर? अरे वाह पक्का? अब तुम लोग खुद ही बता दोगे मुझे सारे नाम, एक बार रिपीट करो सारे कंसेप्ट फिर से, बोलो जल्दी से बेटा। रिपीट करा रहा हूं बार बार, इसलिए घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, यहां पढ़ो परमानेंट मेमोरी में सेव करो, ठीक है? छोटी बुद्धि में सेव करते जाओ। बोलो फटाफट स्टेप वन क्या होगा बोलो? बहुत बढ़िया। पहले ये बताओ ये रूल किसके लिए?
पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन के लिए। तो स्टेप वन क्या होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग ऑल डबल बॉन्ड्स। ये फेल कब होगा, सारे डबल बॉन्ड को मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा पेरेंट कार्बन चेन में, ये अगर फेल हो गया तो स्टेप टू क्या होगा बोल। अब अगर ये फेल हुआ तो बोल, स्टेप थ्री, स्टेप थ्री क्या बोल रहा है, लेंथ आ जाएगा। और ये लेंथ भी अगर सेम हो गया तो लोकेट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ कंसेप्ट, हमको यहीं तक काम आ जाएगा, इसके नीचे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना नहीं पूछेगा डेप्थ में, ठीक है। अब अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो ये वाली चीजें तो नॉर्मल है, तुम लोगों को तो तुरंत आ जाएगी ये वाली चीजें। नंबरिंग कैसे करेंगे बोलो, अरे मन लगा के बोलो बेटा, ऐसे सो सो के मत बोलो, अरे पीढ़ी और उसके बाद, उसके बाद। अब तुमसे पूछूं, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सेम आ जाए तो कहीं से भी कर दो नंबरिंग, फिर तो कहीं से भी कर दो, बात एक ही है। टेंशन आ गया था कि नया रूल आ जाएगा, नहीं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी सेम आ गया तो नंबरिंग कहीं से भी कर दो तुम लोग, ठीक है। और ये बात समझ में आई, चलो तो क्वेश्चन करें, स्टार्ट करें। थोड़ा बहुत अभी इसका नेमिंग देख लेते हैं, नेमिंग से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हमको चलना है। तो लिखो, राइट द नेम, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन। चिंता मत करो, मैं क्वेश्चन लाया हूं। पहले से सिंपल सिंपल, फिर धीरे धीरे, थोड़े थोड़े टफ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो दुनिया का सबसे सिंपल है, तुम लोग ऐसे ही टेंथ क्लास वाले ही बोल रहे, टेंथ क्लास में ही पढ़ते पढ़ते बोल देते तुम लोग। बताओ क्या होगा, सबसे पहला काम बोलो, काम को समझो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, दिस वन करेक्ट। सेकेंड रूल, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, पहला रूल भी फेल नहीं हुआ, सीधा हो गया सेलेक्ट, ठीक है। सारे के सारे डबल बॉन्ड इंक्लूड है इसके अंदर, बात क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होता है, नंबरिंग। अब नंबरिंग करो, आर एफ पी डी और डबल बॉन्ड, यहाँ से चलेंगे 1 2, तो यहाँ से चलेंगे तो आर एफ पी डी 2 पर, यहाँ से चलेंगे तो आर एफ पी डी यहाँ से भी कितने पर आएगा, 2 पर। अब बताओ पहला आर एफ पी डी क्या हो गया, फेल हो गया, लेकिन इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, तो कहीं से भी नंबरिंग, कहीं से भी नाम लिख दो, बोलो नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, चार होगा तो क्या होगा, ब्यूट, बोलो 2-ईन, या फिर समझ में आ गया, कंफर्म, किस किस को पक्का समझ में आ गया, पक्का किस किस को समझ में आ गया, हैंड राइज करो, पहले समझो तुम लोग, लिखो मत पहले समझो, इसका कैसे क्या करोगे बेटा बताओ। सबसे पहला स्टेप बेटा, अभी मैं तुम लोगों को स्टेप बार बार बुलवा रहा हूँ, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, इसका रीजन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देता हूँ। अगर तुम अभी स्टेप बोलना सीख गए तो एंड में तुमको स्टेप नहीं बोलना पड़ेगा, आप लोग खुद ही पता पड़ता रहेगा, ये ऐसा 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 होगा, माइंड में अपने आप तुम्हारे चलते रहेंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसीलिए स्टेप बार बार बोलो, ठीक है। स्टेप वन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सेलेक्ट किया कि नहीं किया मैंने, हाँ या ना, पक्का, ये लाइन के बाहर हो गया, बाउंड्री लाइन कहाँ है, यहाँ तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है, अच्छा कैमरे में कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ये वाला लाइन आया, ये तो बहुत अंदर चला गया, बहुत बड़े
ये दिखा, बस 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 बस। अब देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। सेकेंड सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री। अब बोलो बेटा सबसे पहला स्टेप वही क्वेश्चन है, लिख दिया। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट, सेलेक्ट करो बच्चा। क्या कैसे करेंगे सेलेक्ट, बोलो आप। आप क्या करेंगे, मैंने मैंने पहला स्टेप क्या बोला था बोलो। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग ऑल। क्लियर हुआ मेरा बात? इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, नंबरिंग कैसे करेंगे, अप्लाई द आरएफपीडी ऑन। तो पहला आरएफपीडी अप्लाई करो, इस तरफ जाएंगे तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, थ्री पर। इस तरफ आ रहे तो किस पर आ रहा है, तो विच वन इज करेक्ट, देन आंसर विल बी व्हाट, पेंट बोलो टू या फिर। कंसेप्ट क्लियर हुआ, लिख लो लिख लो। ये समझ में आया मैं कैसे चल रहा हूं, मैंने जो रूल लिखा है उसको मैं भी ब्रेक नहीं करूंगा, तुम लोग भी नहीं करोगे फिर, ठीक है। रूल बड़ी मुश्किल से लिखा है बेटा, किसी को और नया केस अगर इसमें देखने को मिल रहा है तो बताओ, मुझे तो नहीं दिख रहा, मैंने सारे केस वैसे ही डिस्कस कर दिए। तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं होगा, तुम्हारे मन में होता है अगर सर सब्स्टिट्यूएंट ऐसा होता है ऐसा होता, तो मैंने तो सारे तो डिस्कस ही कर दिए, सब्स्टिट्यूएंट तो आ गया ना तुम्हारे आरएफपीडी में। और ये बात तो कन्फर्मली मान के चलो कि ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चाहिए। हाँ ये मुझे बताओ कि अगर मान लो मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड की कार्बन चेन ज़्यादा मिल रही है, सिंगल बॉन्ड की, सुनो मेरे मेरा क्वेश्चन समझना, एक सिंगल बॉन्ड की मुझे कार्बन चेन मिल रही है आठ कार्बन की, कितने कार्बन की, सिंगल बॉन्डेड है बस, और एक मुझे मिल रही है डबल बॉन्डेड कार्बन चेन चार कार्बन की उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सिमिलर एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें मुझे एक सिंगल बॉन्ड की कार्बन चेन मिल रही है आठ कार्बन की, लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड को इंक्लूड करूं तो मुझे कितने का कार्बन की मिल रही है, चार कार्बन की, तो मैं कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी में दूंगा, डबल बॉन्ड। मैंने लिखाया था लेंथ मैटर नहीं करता, लेंथ मैटर नहीं करता है, चाहे डबल बॉन्ड तो सारे ही सारे आने चाहिए, बट आपका लेंथ क्या नहीं करेगा बच्चा, मैटर नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, याद हुआ अब अच्छे से, याद हो गया, यही के यही याद करना है, घर के भरोसे नहीं रखना, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। अभी थोड़ा स्लो पढ़ रहे, कल से हम फास्ट करेंगे स्पीड। रीजन क्या है, अब तुम्हारे सारी चीजें रिपीट होने लग जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा स्लो चलेंगे, कल या परसों से हम थोड़ा फास्ट करेंगे, तो थोड़ा सा इस चीज को समझो, अच्छे बच्चे हो, मन के सच्चे हो कि नहीं हो, मन के सच्चे होते कि नहीं होते, अच्छे बच्चे मन के सच्चे होते हैं ना, तो बताओ इसका आंसर जल्दी से, क्या करोगे बोलो, सबसे पहले स्टेप बोलो। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग ऑल डबल बॉन्ड्स, तो सारे के सारे डबल बॉन्ड को सेलेक्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करो। हाँ अभी तो आपको सीधा सीधा मिल रहा है, लेकिन एग्जाम में सीधा वाला नहीं मिलेगा, एग्जाम में ऐसा ऐसा मिलेगा ज़िगज़ैग, तो उसको ध्यान रखना है आपको। ये मैं अपने एग्जाम्पल के लिए मैं सिंपल करा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ज़्यादातर कैसा मिलेगा, ज़िगज़ैग पैटर्न में, कौन से पैटर्न में, ज़िगज़ैग, तो अगर ज़िगज़ैग पैटर्न में मिलेगा तो छोड़ देंगे, नहीं करेंगे ना, तरीका तो वही होगा। चलो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, बात क्लियर है, देन आफ्टर बोलो आर एफ पी डी। यहाँ से अगर मैंने आर एफ पी डी अप्लाई किया तो यहाँ से करेंगे और यहाँ से करेंगे, लेकिन आप तो दोनों बोलो, मुझे पता है आप लोगों को आ गया है एक ही बार में, लेकिन दोनों बोलना सीखो, अभी स्टार्ट में तो बोलना सीखना पड़ेगा, जल्दी बोलो वन और यहाँ से भी चलेंगे तो टू कोमा फोर, विच वन इज करेक्ट, तो आंसर क्या होगा बोलो, कितने कार्बन का है, पेंट वन कोमा थ्री डाई इन, या फिर क्या बोलेंगे बोलो, समझ में आया बात,
समझ में आया अच्छे से? अभी मैं सब्स्टिट्यूएंट खतरनाक वाले नहीं लगा रहा, अभी एक और सब्स्टिट्यूएंट आएगा। एक सब्स्टिट्यूएंट किससे बना था? एल्केन से। एक सब्स्टिट्यूएंट किससे बनेगा? एल्कीन से। तो उसमें डरने वाली वो कोई बात नहीं है, वो दुनिया का सबसे आसान होगा, वो भी आसानी होगा। जब तुम्हें इतना आ गया तो वो नहीं आएगा, तुम खुद बताओ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? आएगा, विश्वास है ना मेरे ऊपर? तो फिर तो यही है बस, और बाकी तो हो गया, बात खत्म। अगला फोर्थ करें बेटा, फोर्थ आप तुम लोग बताओगे। अब थोड़ा एक और लेवल अप करे थे, ठीक है, हल्का सा एक लेवल अप करेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सेलेक्ट करो कौन सा होगा। ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी तो हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। सोचो, माइंड लगाओ, सेम ही होगा ना? हाँ, तो ये वाला होगा। मैंने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट किया, लेकिन कैसा वाला? कैसा वाला बोलो, जिसके अंदर सारे के सारे डबल बॉन्ड आ गए, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ आप बताओ, आप क्या करेंगे? मैंने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, नाउ अगला स्टेप क्या बनता है हमारा? नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे? अप्लाई द RFPD ऑन डबल बॉन्ड। यहां से चलेंगे तो 1 और 3 पर, फिर यहां से चलेंगे तो 5 पर। विच वन इज करेक्ट? तो आंसर क्या होगा बोलो। अब यहां से 1 2 3 4 5, अब नाम बोलो। 5 पर तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है? मिथाइल। क्या होता है? मिथाइल। तो क्या बोलेंगे बेटा बोलो? 5 साले के, उसके बाद के सारे रूल बेटा उसकी तरह ही है, एल्केन की तरह। 5 मिथाइल बोलो अब नाम। 1, 3 कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है? तो क्या लिखेंगे? 1, 3 हेक्स हेक्सा डाइन होगा कि हेक्स डाइन होगा? हाँ, समझ में आ गया। अब क्लियर हुआ बात? एक एक लाइन किसको समझ में आ गया? एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझ में आ गया? पक्का? पक्का, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते, लिख लो आराम से लिखो बेटा, लेकिन है ना घर जाके एक्सप्लेनेशन खुद से करना। जैसे मैं अभी अभी बोल रहा हूँ ना, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये कर लोगे ना इसी एग्जाम्पल में, तुम्हें बाहर के एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है। तुम चाहते हो तुम्हें बाहर के एग्जाम्पल देखने पड़े? चाहते हो तो बोलो हाँ या ना। चाहते हो, मन में होगा कि मैं कोई बुक रेफर करूं, तो अभी तुम लायक नहीं हो उसके फिलहाल। बुक तुम्हें रेफर नहीं करना, मैं तुम्हें जो जेरोक्स दूंगा ओनली वही रेफर करना है। सुनो, ओनली वही रेफर करना है जो मैं तुम्हें जेरोक्स दूंगा। बुक बिल्कुल भी जेरोक्स, सॉरी बुक बिल्कुल भी खरीद के नहीं लाना है, ठीक है? और हाँ सुन लेना, आफ्टर नोमेनक्लेचर आप लोग चुपचाप डीके सिंह अपना पर्सनल खरीद लेना। सबके डेस्क पर डीके सिंह रहनी चाहिए, क्योंकि हमको कंसेप्ट याद करने, भूलने नहीं है, ठीक है? और ऐसा मत सोचना सर, अरे सुनो इधर, ऐसा मत सोचना सर हर जगह तो MS चौहान कराते हैं, आप DK सिंह क्यों करा रहे? पहले DK सिंह, उसके बाद MS चौहान। हम सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, स्टेयर कैसे आप कैसे चढ़ते हो? एक एक करके या फिर पांच पांच करके? एक एक करके चढ़ते हो ना, तो हमको एक एक करके चढ़ना है, हमको गलती नहीं करनी है, ठीक है? DK सिंह से हम कंसेप्ट याद करेंगे और अप्लाई करेंगे कहां पर? MS चौहान। दोनों बुक सोल्व करेंगे, चिंता नहीं। हम दोनों बुक कैसे सोल्व करेंगे तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा, दुनिया के सबसे आसान आसान बुक्स। आ गया, किसी को डाउट है? DK सिंह बता देता हूं मैं कंप्लीटली, पियर्सन पब्लिकेशन की,
कौन से क्वालिफिकेशन? पियर्सन के डीके सिंह और एम एस जॉन श्री बालाजी के। वैसे डीके सिंह करने के बाद तुम्हें मन ही नहीं करेगा उसको करने का। बेटा उसमें एक कंसेप्ट पे मैं तुम्हें आज ऐसे बता देता हूँ, उसमें एक कंसेप्ट पे कम से कम है ना, एक ही कंसेप्ट पे, सिंगल कंसेप्ट पे कम से कम 15 से 16 को क्वेश्चन है। तो आप बोलो तुम्हें कंसेप्ट याद नहीं होंगे, तो इसीलिए। और जब भी रिवीजन करना हो उठाओ डीके सिंह, रिवीजन स्टार्ट कर दो, कंसेप्ट फिर से याद। ठीक है, ये वाला समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो बाहर से चला जाऊंगा मैं। नेक्स्ट एग्जांपल बोलो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम करते हैं एक और, ये लाइनें किसको समझ में आ गई सारी की सारी? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, अगला देखो, अगला एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आप लोग, मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, मैंने पहला क्या बताया था बोलो अब? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, बताओ। लेकिन इंक्लूडिंग ऑल, अब देखो सुनना ध्यान से, मैंने तुम्हें पहला रूल बताया था ना, लेंथ मैटर नहीं करता। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता 1 2 3 4 5 मिल तो रहा था मुझे 5 का, लेकिन मैं तो यही सेलेक्ट करूंगा 4 कार्बन वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे डबल बॉन्ड मुझे मिल गए, तो ये वाला सेलेक्ट किया। अब देन आफ्टर, जब मैंने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, बेटा लिख मत पहले समझ, जब मैंने पेरेंट कार्बन चेन, मुझे पता है तू आंसर लिख रहा है फटाफट, लेकिन फटाफट आंसर लिखने से गलती करेगा। जल्दी जल्दी पहले एक एक लाइन को याद करना है हमको, हमको याद करना है, बाद में हमको क्वेश्चन सोल्व करने। अब बताओ सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बच्चा, बोल। देन आफ्टर क्या करेंगे? अप्लाई द आरएफपीडी ऑन डबल बॉन्ड। पक्का आरएफपीडी अप्लाई करेंगे? कैसे करेंगे बेटा बोल? आरएफपीडी एक बार यहां से जाएंगे, आरएफपीडी डबल बॉन्ड पर, एक बार यहां से बोलो, यहां से जाएंगे तो 1 पर, और किस पर आ रहा है? 3 पर। मैं कहां से आ रहा हूं? यहां से। अगर यहां से जाऊंगा तो कहां आएगा? आरएफपीडी फेल ऑन व्हाट? आप कौन आएगा? अगर यहां से जाऊंगा तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आ रहा है? अगर यहां से जाऊंगा सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आ रहा है? 2। देन विच वन इज करेक्ट? अब कहां से नंबरिंग करेंगे? किसको समझ में आ गया? समझ में आया स्टेप वाइज? समझ में आया पक्का? बताओ क्या आएगा आंसर? 2 इथाइल, बहुत बढ़िया। 2, 1, 3 ब्यूटा डाइन, ब्यूट डाइन मत लिख देना, ब्यूटा डाइन लिखोगे क्योंकि मैंने यहां लिखा है था। हाँ कहा? अरे ये तो कॉमन सेंस है, तुझे आ गया था ना, बस बात खत्म। अरे बेटा हमको कार्बन चेन से मतलब है ना कि एच से मतलब, एच से मतलब है, जहां एच से मतलब होगा तब। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अगर तूने सही बताया, अगर कार्बन की 5 वैलेंसी होती तो मुझे केकुले मारने आ जाता। केकुले जानते हो कौन है? जिसने टेट्रा वैलेंसी फाइंड आउट की थी कार्बन की, उसका नाम है केकुले। याद आ गया? अब याद आ गया, हो जाएगा कंप्लीट। अब हो जाएगा, एक और करते क्वेश्चन। देखो तुम्हें, तुम्हें मतलब धीरे चल रहा हूँ, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अगर किसी को आपत्ति हो तो बोलो, इससे ज़्यादा स्पीड भी हो सकती है बेटा। अगला 6, स्पीड बढ़ाना हो तो बोल देना। बताओ बेटा क्या करोगे? बोलो बच्चा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये वाली सेलेक्ट कर दो। ये वाली सेलेक्ट होगी ना? हाँ या ना? ये वाली हाँ या ना?
सोच लो ये वाली होगी, ये वाली तो होगी, ये वाली होगी क्या? क्यों? तो ये मैंने सेलेक्ट किया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, बात क्लियर हुआ? उसके बाद बताओ जल्दी से, उसके बाद आरए नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग के लिए क्या अप्लाई करेंगे? बोल बोल, इधर जाएंगे तो नंबरिंग करो, यहां से तुम लोग बोलोगे 2, इधर से नंबरिंग करेंगे तो आर एफ पीडी नाउ सब्स्टिट्यूएंट, यहां से जाएंगे तो 3 और यहां से जाएंगे तो 4, तो विच वन इज करेक्ट? तुम सोचो, मुझे तो सीधा नाम याद है, मुझे कितना बोर लगता होगा। जल्दी बताओ, 3-ethyl 2,4 hexadiene। अब ये बताओ, अब याद तो हो गया होगा, अब अगर याद नहीं हुआ तो बेटा तो इसी को करती है याद घर पे जाके, इसके बाद सर क्या बोलेंगे, इसके बाद सर क्या बोलेंगे, इसके बाद सर क्या बोलेंगे, अगर इसके बाद अगर याद नहीं हुआ तो या तो मुझे मार दो या तो खुद मर जाओ। बेटा कार्बन चेक कर लेना हाइड्रोजन, ठीक है? अरे तो बेटा मन में मत लेना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, चेक कर लेना लेकिन जरूर, क्योंकि तेरा मन भी खुश हो जाएगा। यहीं तक था ना लाइन? हाँ यहीं तक था एलओसी। आगे आप जल्दी बताओ, बताओ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करेंगे? हमें तो किसी से मतलब नहीं है, हमें तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में सारे के सारे क्या आ जाने चाहिए, हमें तो उससे मतलब है। कैसे हो जाएगा ये उल्टा यू? अब समझ में आया, ऐसा भी आता है जिगजैग पैटर्न में, नहीं इससे भी भयानक आता है। अब देखो, अब बताओ जल्दी से अगला रूल अप्लाई करो नंबरिंग। सबसे पहले कहाँ? यहाँ से यहाँ, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, ऐसे बोलूंगा यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा बोलो? 1 पर 3 पर 5 पर 8 पर, यही हुआ। और यहां से यहां जाएंगे तो 4, 6, 8। क्या आर एफ पी डी फेल हुआ? क्यों फेल नहीं हुआ? किसकी वजह से? 3 और 4 की वजह से। विच वन इज करेक्ट? सीधा टिक मारो। अब गौर करना, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट 3 पर हो चाहे 4 पर हो चाहे 5 पर हो, उससे हमको कोई मतलब? अगर आर एफ पी डी अगर डबल बॉन्ड में फेल नहीं हुआ तो डबल बॉन्ड के हिसाब से ही चलेंगे, अपनी मर्जी नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कहीं पर भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आप बताओ नाम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बोलो नाम। 3 बेटा ध्यान से, 3 ये क्या है? याद आया कल वाला? पक्का श्योर? अगर यहीं से जुड़ा रहता तो, अगर ये CH3 यहाँ होता, CH3 यहाँ होता, डायरेक्ट यहाँ CH होता तो उसको अलग से फोटो बाहर निकाल के उसका नाम लिखते तब हम लिखते। ठीक है, समझ में आया? अब बताओ क्या होगा नाम बोलो। 7-methyl। अरे नाम तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से ही लिखेंगे, ये बात मान के चलना। 3-propyl 1,3
3.5.8 बोलो नौना टेट्राइन। अब बताओ कितना सिंपल है क्या नहीं है सिंपल है या नहीं है, हाँ या ना, पक्का सिंपल है ना। चलो कल हम प्रैक्टिस करेंगे, एल्किन कराने के बाद मैं तुम्हारी प्रैक्टिस कराऊंगा, किसकी, एल्केन एल्किन एल्काइन की, बस नींद आ रही है, सरदर्द कर रहा है, हाँ सरदर्द कर रहा है, बड़ा चेकअप करवा के आया कर फिर, किसी को हो या ना हो मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे हो गया तो 15 दिन का ऑनलाइन ही वीडियो देखना फिर। किसको ऑनलाइन वीडियो देखने का मन करता है अब, किसको, तुम्हें तो पूरी एक एक घंटे की मूवी भेज दिया करते थे, एक एक घंटे की मूवी देखो आराम से क्या हो रहा है, और कभी कभी डेढ़ डेढ़ घंटे की मूवी आती थी, और कभी कभी चार चार मूवी आती थी, फिजिक्स का भी नहीं केमिस्ट्री के भी दो तीन कभी कभी आते थे, ठीक है दो तीन केमिस्ट्री की मूवी लगता नहीं था तुम्हें ऐसा कि सुबह से शाम मूवी देखनी है। मैं तो कभी देखू ही नहीं बेटा, मैं मानता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ, तुम लोग अगर वीडियो लेक्चर नहीं भी देखे होंगे ना तो मैं इस बात को तो मानता हूँ कि बेटा अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी वही करता, सीरियसली मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ कि आप लोग देखे या फिर नहीं देखे, मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चे नहीं देखेंगे क्योंकि एक लेवल तक, अरे बच्चों में तो तुम्हें क्या बताऊँ, हम लोग भी देखते हैं ना लेक्चर, तो हम लोगों को आने के बाद हम लोगों को तो सब इतना तो मुझे आता है, अगर मैं इसी का लेक्चर देखने बैठूँ ना तो मुझे आधी झपकी आई जाएगी, मुझे नहीं देख पाऊंगा मैं, ठीक है, तो इसलिए मैं तुमसे पूछा है किसकी कॉपी कंप्लीट है, नहीं पूछा ना मैंने, मुझे पता है हो या ना हो करवाना मुझे ही पड़ेगा। चलो अब देखो, अब लिखो नेमिंग ऑफ, अगला पॉइंट नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ एल्किनाइल। अब ये नया टर्म कहां से आ गया, मिथाइल था, अरे मिथाइल था बोला था ना, अभी इसका भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा, मिथाइल था, मिथाइल कब था, जब एल्केन में से निकालते थे तो मिथाइल, ठीक, जब एल्कीन में से निकालेंगे तो एल्किनाइल, बस क्या हुआ सब्स्टिट्यूएंट की जगह क्या लगा YL, सब्स्टिट्यूएंट की जगह क्या लगा बच्चा बोल YL। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे कौन बताएगा, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, अब ये बताओ, अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, एल्केन की एल्केन का लिए रूल और एल्काइल के लिए रूल सेम होता है, डिफरेंट होता है ना, तो इसके लिए भी क्या होगा डिफरेंट, तो लिखा इसको, अब इसमें लिखो व्हेन सिंगल हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम एल्किन ग्रुप देन एल्किनाइल इज फॉर्म्ड। बात समझ में आया, तो क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा बोलो, एल्कीन से अगर मैंने एक हाइड्रोजन को निकाला तो क्या बनेगा बोलो, एल्किनाइल, क्लियर हुआ, ठीक है, अब इसके लिए रूल लिखाओ या फिर तुम्हें याद हो जाएगा, लिखो स्टेप, इसमें एक ही स्टेप है जो सबके लिए वैलिड है, कैसे करोगे बताओ स्टेप, ठीक है,
लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, बट सिलेक्शन नंबरिंग कहां से करेंगे? ठीक है, बस इतना, वही रूल है, वही सेम है, सब कुछ वही है, बस तुम्हें ऐसे करना है। देखो अभी मैं बताता हूँ, एक दो, ठीक है, तुम्हें खुद से करना है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो पहला एग्जाम्पल नंबर वन, तुम खुद से कर लोगे, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे विश्वास है। अब देखो CH3 इसका नेम बोलो, ये वाला कार्बन बेचारा किससे जुड़ा होगा? नंबरिंग कहां से करेंगे? लॉन्गेस्ट तो यही है ना, नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से। इसमें भी वही रूल है कि मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर ही डबल बॉन्ड सारे आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट में भी ऐसा ही कोशिश करेंगे, जो कोशिश उसमें करते ही इसी में भी वही कोशिश करेंगे। मैंने डबल बॉन्ड को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर लिया, आप बताओ नंबरिंग करो, 1 2 3। अब नाम कैसे लिखोगे बोलो, नाम कैसे लिखोगे? हाँ, 2-propynyl, क्या लिखोगे नाम? 2-propynyl। अब एक, ये थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कि गलत है सर, ना तुम्हें लग रहा होगा गलत है, लग रहा है ना, कोई बात नहीं, लगने दो गलत, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे सही होगा। प्रोप का मतलब तीन कार्बन, ठीक है, इन कहाँ आया? दो पे, और वो आयल के आगे कुछ है नहीं, है ना? अरे आहिल नहीं, आयल, वाईएल के आगे कुछ है नहीं, है ना? वन ही मानेंगे, तो इसलिए नहीं आया समझ में। इसको ऐसे कर लेंगे, वन आयल किससे जुड़ा है? एक से जुड़ा है ना, तो वन आयल लिख दिया। अब बताओ वन से क्या जुड़ा हुआ है? ये वाला सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? प्रोप क्या है? प्रोप टू इन है, तो इसको तुम ऐसे ना लिख के तुम ऐसे लिखो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब समझ में आ जाएगा, बोलो अब इन कहां जुड़ा हुआ है? दो पे। आयल कहां जुड़ा हुआ है? अब समझ में आ गया, अब पक्का अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट, चलो लिखो। तो एक और करोगे एग्जांपल? ये सब्स्टिट्यूएंट वाला ही तो है। अच्छा, तुझे कॉम्प्लेक्स वाला चाहिए? दूंगा बेटा, चिंता मत कर, चिंता नहीं करना है, चिंता चिता के समान होती है। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? तुम लोग हिंदी नहीं पढ़ते? आया समझ में ये चीज, किस किस को कंप्लीट हुआ कंसेप्ट, क्लियर हुआ? अगला एग्जांपल, तुम लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आता। बेटा आ गया सब्स्टिट्यूएंट वाला, अब जल्दी जल्दी बताओ, सबसे पहला काम क्या? लेकिन नंबरिंग कहां से? पेरेंट कार्बन चेन से, जो कार्बन अटैच होगा वहां से मुझे नंबरिंग स्टार्ट करनी है। बताओ कहां से करूंगा? यहीं से ना, यहां से। अब पक्का यहीं से होगा? यहां से होगा पक्का? श्योर पक्का? सोच लो। चलो, तुमको कैसे पता पड़ रहा है कि यहीं से पेरेंट कार्बन चेन जुड़ा है? क्योंकि मैंने एक बेचारा लाइन खींच रखा है। समझ में आया? अब बताओ जी जल्दी से नंबरिंग करो, बोलो 1 2 3 4। सामने देखो, सब अच्छे बच्चे हो, अब क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे अब ये बताओ, क्या यहाँ पर RFPD अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ या ना? RFPD तो वहां अप्लाई करता है जहां पर मुझे नंबरिंग सेलेक्ट करनी पड़ती है, यहाँ तो पहले से ही फिक्स्ड आती है, जहां पर फिक्स्ड वैल्यू होगी वहां थोड़ी ना RFPD अप्लाई करेंगे। किसी के मन में नहीं आना चाहिए कि RFPD अप्लाई जब होती है, जब मैं नंबरिंग चेंज करने का मेरे पास ऑप्शन रहता है,
यहाँ पर नंबरिंग चेंज करने का ऑप्शन है? नहीं है। एक दो तीन क्यों नहीं लिखा मैंने? डबल बॉन्ड को लेने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तब की तब बात है, लेकिन कोशिश तो हम वही करेंगे। अब बताओ इसका नाम। अरे वाह, बोलो बोलो आगे। टू मिथाइल, वेरी गुड, ब्यूट। ऐसे लिखो बेटा, तुम लोगों पे भरोसा नहीं है। ब्यूट टू इन वन आइन, ये ज्यादा क्या हो रहा है? हाँ, अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट होगा नाम। बेटा आइल के आगे कुछ नहीं रहेगा तो तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा वन मानना है कि नहीं मानना। अभी इसकी आदत डालो, बाद में वैसे लिख लेना। आदत डालोगे तब बाद में आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली में बात क्या थी, सर मुझसे क्या बात छुपा रहे थे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन का नाम आप लोग बताओगे बच्चों? पक्का? एग्जाम्पल देखो, ये बार बार वहीं से बना रहा हूं, ये गलत बात है मेरी। अरे अब बोलो, अभी यहां पर भी हो गया गलती, अब सही है? जल्दी बताओ बाबा, फटाफट। नंबरिंग कहां से करेंगे? क्यों? हमने एल्केन का रूल क्यों नहीं अप्लाई किया? एल्कीन का रूल हमने क्यों नहीं अप्लाई किया? हमने एल्कीन के नेमिंग वाला रूल क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि ये तो खुद ही सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब एल्काइल भी सब्स्टिट्यूएंट होता है और मतलब एल्किनाइल भी क्या होता है, ठीक है? सब्स्टिट्यूएंट बहुत सारे होते हैं बेटा, डरना नहीं है। अब बताओ नंबरिंग करो बच्चा जल्दी से, अभी तो बहुत एग्जांपल करूंगा। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। आरएफ पीडी क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? क्योंकि इसमें नंबरिंग क्या है? फिक्स्ड। जिसमें नंबरिंग चेंज करने का ऑप्शन होता है तभी हम आरएफपीडी अप्लाई करते हैं। हाँ या ना? पक्का? श्योर? चलो बोलो आप ना। टू मिथाइल, अच्छा तो पहले पेंट लिख दे, 2,4 डाई इन, क्या ये सही है? पेंटा आएगा ना, डाइन वन आहिल। समझ में आया? तो तुम्हारे क्लास में था ना एक आहिल नाम का, टेंथ में साहिल था, साहिल कन्वर्ट हो गया आहिल में। चलो अब देखो इधर, या आहिल कन्वर्ट हो गया साहिल में। अब अगला करो, C3H7 है। मैंने ऐसे गलती थोड़ी ना लिखा होगा, जानबूझ के C3H7 लिख रहा हूँ, और इतना तो मुझे पता होगा एक एक, एक कार्बन लिखना होता है, लेकिन मैंने एक साथ ही तीन कार्बन लिख दिए। अब तुम्हें दिमाग लगाना है, बताओ क्या करोगे? बोलो, सब बोलो। नंबरिंग बताओ कहाँ से करोगे? नंबरिंग 1 2 3 4। वेरी गुड, इस सी एस क्वेश्चन लिख लेना बेटा तुम लोग, ये भी C3H7। इस C3H7 को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? CH2 CH2 CH3, देन सॉल्व करूंगा। हो गया ना ये C3H7? समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि सर ने C3H7 लिया तो कई बच्चे ऐसी गलती करेंगे, 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व, सर मेरा बिल्कुल करेक्ट है, आप कैसे गलत बोल सकते हो?
5, 6, 7 जल्दी बताओ आंसर क्या होगा नाम। 1-methyl बोलते जाओ, हेप्टा हेप्टा हाँ हेप्ट टू इन, क्योंकि जब एक डबल बॉन्ड होता है तो हेप्टी लिखती है, देखो चेक करो, और दो से हेप्टा लिखते हैं, हेप टू इन, बोलो आगे क्या होगा, टू इन वन आइल, तो हमेशा एक ही आइल आएगा। एक चीज समझ में आया, हमेशा वन आइल क्यों आएगा, देखो अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। करो जो जो लाइनें बोल रहा हूँ ना छोटी छोटी, बेटा मुझे पता है तुम लोगों को वो सब समझ में आ रहा है, लेकिन तुम लोग जबरदस्ती लिखो, क्योंकि वही छोटी छोटी लाइनें बाद में जाके बड़ी बड़ी लाइनें बन जाएगी, और फिर तुम छोटी छोटी गलतियां स्टार्ट करोगे। समझ में आया, एक और एग्जाम्पल करें, पहले लिख लो तुम लोग आराम से। हाँ रिंग वाला, बेटा रिंग वाला तो बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है, अभी साइक्लो कंपाउंड ना ना बेंजीन नहीं साइक, हाँ जिगजैग वाला, हाँ अभी करेंगे ना इस मिक्स एग्जाम्पल करेंगे, उसमें करेंगे ना। तुम्हारा असली टेस्ट कहाँ होगा, जब मिक्स्ड एग्जाम्पल होगा। ये तो फालतू का टेस्ट है, ये तो तुम्हें रूल याद करा रहा हूँ, कल कल और रूल याद कराऊंगा, उसके बाद से तुम्हारा असली टेस्ट स्टार्ट। किस किस को क्लियर हुआ, किस किस को क्लियर हुआ, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल नहीं देखते भाई। बेटा चार पे सुई आए तो मुझे बता देना, 4 पे सुई आए ना ऊपर वाली तो मुझे बता देना, मुझे उस क्लास में भी जाना है, ठीक है। करूँगा करूँगा, अभी मुझे इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है बेटा, नहीं तो तुम लोग मुझे मनी मन कुछ भी बोलते सकते हो। बताओ इसका नाम, नहीं है तो क्या हुआ, नाम तो लिखना आता है ना, तुम ही लिखोगे पक्का, लिखो ना, किसने हाथ पकड़ा हुआ है, लिखो सिखाया कि नहीं सिखाया, ऐसा कब सिखाया, कल या परसों, परसों भी सिखाया था, संडे था, नहीं था संडे, तकलीफ होती तो तू आगे आके बैठ जाया कर, क्या नाम है इसका, आहिल, हाँ आगे आके बैठ जाएगा, तकलीफ होती तो आगे आके बैठ जी, बैठ जाया कर, ये उचक उचक के देखने से अच्छा है वहां आके बैठ जाए। तुम्हारी क्लास है इतनी इतनी वैकेंट सीट खाली है तो फायदा उठा, आ गया नाम सबको पक्का, बोलो ना, 1-ethyl 3-methyl pentyl, pentene 1-aryl नहीं आएगा, alkane से क्या बनता है, alkyl pentyl, बस मुझे पता था तुम लोग बहुत महान हो। अरे alkane में n नहीं लिखते, alkane में n नहीं लिखते, लेकिन डबल बॉन्ड वाले में इन क्यों लिखते, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड बताना रहता है। अब समझ में आया, अब तुम लोग पूछते हैं कि सर यहाँ इन लिखते हैं वहां एन क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वह तो सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ मुझे डबल बॉन्ड बताना रहता है, डबल बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन मुझे देनी रहती है, इसलिए मैं यहाँ पर इन लिखता हूँ। समझ में आया पक्का, श्योर, नाम क्या होगा बोलो आप, 1-ethyl 3-methyl pentyl,
ठीक है। अब देखो कल वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछ लेना वो मुझसे आके, कल मैंने क्वेश्चन दिए थे ना वो डाउट, वो इवनिंग में 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे सोल्व करने में मुझे, तो आप लोगों को भी सोल्व करने में 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। अरे मुझे थोड़ी ना पता है, कंपाउंड मैंने कल लिखा और कल ही भूल गया मैं। अगला कंपाउंड, अगला एक और करते, एक और करे पक्का, चलो हाँ। बताओ रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लेकिन नंबरिंग कहां से करेंगे तुम लोग खुद लिखो इस बार, तुम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तुम लोगों में से जो अच्छा मुझे दिखता रहेगा वो उसको मैं यहाँ बिठाता रहूंगा, ध्यान रखना A1 वाले ध्यान रखना, ठीक है। जो अच्छा दिखेगा उसको मैं यहाँ बिठाऊंगा, जो खराब दिखेगा उसको मैं प्रोजेक्टर रूम में ही भेजूंगा, और किसी किसी को तो प्रोजेक्टर रूम में बैठना भी अच्छा लगता है क्योंकि वो बच्चा बेचारा टीचर को फेस ही नहीं करना चाहता, क्योंकि 6 महीने से फेस नहीं कर किया ना, तो उसके मन में डर बैठ चुका है। नाम क्या है तेरा? पार्थ। तू कितने मार्क्स भेजता था? ऑनलाइन ही मार्क्स भेजते थे ना, घर बैठे सोफे पे बैठ के आराम से लेटे। अरे मैं केमिस्ट्री की कभी नहीं पूछूंगा, मैं पूरे हो। बड़ा बहुत कम मार्क्स भेजता था, बड़ा 150 मालूम है, जो बच्चे तुम्हारे सीनियर है ना 2 साल से पढ़ रहे हैं ना, उनके भी 150 लाने के लिए हालत खराब हो जाती है। तेरे तो फर्स्ट अटेम्प्ट से ही 150 प्लस जा रहे हैं, रैंक लाएगा इस बार है ना। बैठ जा जल्दी बताओ, आ गया ना? आ गया पक्का? आ गया। अब मैं एक और चीज बताऊं, हमेशा 1 आइल ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो हमेशा इनाइल लिख देना उसको। अब तुम्हें 1 आइल की आदत लगा दी, हाँ हाँ, तो 1 आइल की आदत लगा दी, अब इसको कंबाइन करके लिख देना। क्या लिख दोगे? इसको कंबाइन करके लिख देना। अब समझ में आ गया तुम्हें आदत? अब तुम्हें समझ में आई ये चीजें मैं क्या कर रहा हूं? इसीलिए मैंने पहले वो आदत लगाई, इसके बाद ये आदत लगाई। बताओ इसका नाम किस किसने लिखा है? तुम्हारा सही है, बोलो। 2-ethyl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 माई गॉड हेप्ट टा 3, 5, 6 टेट्रा इनाइल। क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो एक बात ध्यान से सुनो, समझो मेरी बात। नंबर ऑफ इनाइल कुछ समझ में आ रहा है? कल तुम्हें क्या पढ़ के आना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। टाइप ऑफ हाइड्रोजन एक बार रिवाइज करके आना है, क्योंकि यहां पर भी मैं यूज करूंगा उसका, इसका मतलब आपका टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितनी बार रिवाइज होगा,
दो तीन बार होगा, ठीक है। इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन से अलग अलग टाइप के एल्किनाइल ग्रुप बना सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? तो फिर बात क्लियर है, किसको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया? एक बार सारे एग्जाम्पल को रिवाइज करो अच्छे से, कल हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। देन आफ्टर कल दो लेक्चर है ना, कल एल्कीन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एल्कीन यहीं बैठ के पढ़ ले, फिर चला जाना जल्दी से, भाग जाना। Thank you.
I'm going to go to the next one.